हम इंडियन ढीट होते हैं कोई हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग विद न्यू डे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का व्लॉग किस बारे में है, मतलब किसके बारे में नहीं है, क्रिसमस के बारे में। तो आज हम जाने वाले हैं, मैं आपको क्रिसमस दिखाऊंगा शिमला में किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। भैया बता रहे थे कि बहुत ही अमेजिंग होता है, भैया मतलब मेरे लैंडलॉर्ड जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही कूल हैं और हॉस्पिटैलिटी उनकी बहुत ही अच्छी है। तो उनके साथ ही हम रात में जाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि यहाँ लाइक किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होती है। तो वो सारा व्लॉग मैं शाम को रात में कवर करूँगा। और अभी कैप वगैरह मैंने नहीं लगाया है, ठंड बहुत लग रही है क्योंकि जस्ट अभी नहा के आया हूँ। हेयर ड्रायर लेके चलता हूँ मैं बाल सुखाने के लिए, तो अभी वो सब सुखा लिया है, सब कुछ लाइक बिल्कुल सेट हो गया है, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। एक हफ्ते के बाद, आई थिंक एक हफ्ते या 10 दिन के बाद मैं नहा रहा हूँ। तो ठंडियों में यही होता है भाई, हर दिन नहीं नहाया जा सकता या ऑल्टरनेट डेज पे भी नहीं। और मेरा तो वैसे भी ठंडियों में नहीं मन कर रहा होता है नहाने का, क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा है, मतलब इतनी ठंड है कि आप लाइक पानी में जैसे ही आपका हाथ जाएगा ना, तो आपका हाथ कुछ ही सेकंड में, 2 से 3 सेकंड में आप बिल्कुल नम हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपका हाथ भी है। तो काफ़ी अमेजिंग यहाँ पे लाइक मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है शिमला में इतनी ठंड में। तो बॉडी धीरे धीरे अडेप्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ से जब मैं लाइक सारनाथ गया, वाराणसी गया और अपने होम टाउन गया आज़मगढ़, तो मुझे उतनी ठंड नहीं लग रही थी वहाँ के लोगों को जितना लग रहा था, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ पीछे का मेरा व्यू आप देख रहे होगे, क्लाउडी है पीछे, थोड़ा फॉगी, आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा। पहले के जो हिल्स मैंने आपको दिखाए थे लाइक मानसून के बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास, तो यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है। व्यू दिखा देता हूँ एक बार, आप इंजॉय करो, फिर रात में मिलूँगा। मेरा लंच भी रखा है, अभी खाना भी है, सोचा एक इंट्रो देता हूँ फिर उसके बाद खाता हूँ। तो चलो आप व्यू देखो, फिर आगे मिलता हूँ। यार मुश्किल से 2 से 3 मिनट मुझे हुए होंगे छत पे और मेरा हाथ ना ऑलमोस्ट नम हो गया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया है। तो फटाफट चलता हूँ नीचे, खाता पीता हूँ और फिर आपको रात में मिलता हूँ माल रोड पे। तो गाइस अभी हम रुके थे डिनर करने के लिए और बस डिनर कर लिया है मैं और भैया साथ में। अभी डिनर करके अब डायरेक्ट मिलता हूँ आपको माल रोड में। टाइम हो गया है 10 बज गए, तो अभी चलते हैं डायरेक्ट मिलता हूँ। तो गैस हमें अभी माल रोड पे हम आ चुके हैं और शोर शराबा सुन ही रहे हो गया आप, पता नहीं क्या हो रहा है, अभी जाके देखते हैं। और ये रहे हमारे वो भैया जिनको बताया था, काफ़ी अमेजिंग है। तो अभी आगे चलते हैं, थोड़ा लाइट वाइट का इशू है, आगे लाइट में मिलवाता हूँ आपको। कौन है? चर्च यार।
तो गाइस अभी पुलिस वालों की पुलिस वाले का लाइक अनाउंसमेंट हो गई है कि यहाँ से जल्दी जल्दी निकलो, अपने घर जाओ, काफ़ी लेट हो गया है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो बस यहाँ से अभी हम चलते हैं, और भीड़ देख लो यार, अभी भी मतलब देख लो, मतलब भर भर के भीड़ है। अच्छा, वो भी नीचे अनाउंसमेंट हो रहा है। तो भाई भीड़ यहाँ पे बहुत सही है, मेरे को ऐसा पता लगा था कि 10,000 टूरिस्ट यहाँ पे आ चुके हैं शिमला में, और नियर में मे भी और ज़्यादा आ जाएंगे, मे भी 4,000-5,000 तो और बढ़ ही जाएंगे। तो अभी देखते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यार, लाइटिंग का थोड़ा इशू, यहाँ पे लाइट वगैरह नहीं आ रही है, बट देख ही रहोगा भीड़ तो अच्छी खासी है यहाँ पे, एक अलग ही मज़ा है यहाँ पे। लाइक ये निकली है तो गाइस ये देख सकते हो आप, तो पीछे आप देख रहे होगे पुलिस जा रही है और सब लोग बोल रहे हैं कि अपने अपने रूम में जाओ। तो 11 बजने वाला है, 10:50 हो रहे हैं एक्चुअली। तो बस अभी हम निकलते हैं घर की तरफ, और दिखाई दिया मैंने आपको यहाँ की भीड़ और यहाँ का कैसा माहौल होता है। बस गाना वाना गाते हैं, लोग थोड़ा सा इंजॉय करते हैं, और उस साइड तो ये है गाइस लक्कड़ बाजार, और आपको तो पता ही है हम इंडियन ढीट होते हैं कोई हमको कोई भगा दे या हमें जो करना है उस चीज़ से लाइक वो चीज़ हम ना कर पाए, ऐसा हो नहीं सकता। वही चीज़ है, वहाँ से भगाया गया, हम लोग लक्कड़ बाज़ार आ गए और लक्कड़ बाज़ार में चिल कर रहे हैं। भीड़ आप देख ही सकते हो मेरे पीछे, इस साइड भी पूरी पब्लिक है चारों तरफ, और यहाँ पे पुलिस वाले भी नहीं है। तो थोड़ा सा हम लाइक एक्सप्लोर करते हैं, घूमते फिरते हैं, लाइक माहौल देखते हैं कैसा है, फिर चलते हैं। गैस 10 मिनट पहले आपने देखा होगा चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी, इस साइड भी और इस साइड, जहाँ पे लोग इस साइड पे ही लोग गाना गा रहे थे। तो भाई देख रहे हो ना पुलिस की पावर, 10 मिनट में पूरा खाली करवा दिया, मतलब बिल्कुल ही खाली। इतने भयंकर टूरिस्ट थे, आपने देखा ही होगा कितनी ज़्यादा भीड़ थी। और ये थी वो जगह जहाँ पे लोग गाना वाना गा रहे थे और प्ले कर रहे थे, सॉन्ग प्ले कर रहे थे। तो बस अभी भगा दिया गया, लाइक खाली करा दिया गया सारी चीज़ें। तो अब हम यहाँ से चलते हैं। तो आई डोंट नो गाइस कि ये कितने मिनट का व्लॉग होगा, और बस ये थे कुछ यहाँ की सेलिब्रेशन और यहाँ का व्यू शिमला में 25 दिसंबर को, लाइक कैसा व्यू होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो हमेशा भैया ऐसे ही रहते हैं या फिर इस बार कुछ अलग हुआ है? नहीं, इस बार बहुत कम है, बहुत कम लोग हैं। पहले ज़्यादा होते थे, रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है ना, आपने देखा नहीं कितनी तेज़ी से पुलिस वाले आए, हाँ डंडे घुमाते हुए। हाँ तो ये चीज़ें गैस पहले नहीं होती थी, कोविड के बाद थोड़ा सा ये हो गया है कि 11 बजे तक ये पूरा खाली करवा दिया, वरना भैया तो लोकल हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा नहीं होता, लोग दो दो बजे तक ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो ये था एक छोटा सा व्लॉग, आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर करना गैस, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है मैं दोबारा व्लॉग बनाऊं। तो या कल फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नए व्लॉग में, नए डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।